आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में तो कई बार सुना हुआ होगा। तो क्या होता है एक्चुअल में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या आपको पता है? तो आज हम देखते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को जानने से पहले हमें ग्रीन हाउस के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ग्रीन हाउस की थियरी क्या है। ग्रीन हाउस के अंदर पेड़ पौधों के अनुरूप तापमान और हवामान बनाया जाता है। हम यहाँ भारत में किसी ग्रीन हाउस के अंदर जाए तो हमें ग्रीन हाउस के अंदर ठंडक के लिए कुछ इंतजाम किए हुए दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि फवारे लगाए हुए हैं या और कुछ है। तो हमेशा प्रश्न होता है कि ग्रीन हाउस के अंदर तो गर्मी के लिए ये शब्द ग्रीन हाउस इफेक्ट तो यूज किया जा रहा है, तो इसके अंदर ऐसा क्यों है कि वहाँ पर ठंडक के लिए इंतजाम किए हुए हैं? तो बात यह है कि ग्रीन हाउस का चलन यूरोप में ज्यादा था और वहाँ पे ठंडी के कारण पेड़ पौधों को उगने में दिक्कत हो रही थी। तो ग्रीन हाउस एक कांच का इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसके अंदर धूप की किरणें अंदर तो आ जाए पर बाहर निकलते समय गर्मी को वो अंदर ही छोड़ जाए, तो गर्मी का मेंटेन होता था वातावरण। तो हमारे धरती का और ग्रीन हाउस का क्या कनेक्शन है? हमारे धरती के अंदर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। सूर्य की किरणें धरती के वातावरण में दाखिल तो हो रही है पर वापस जाना होता है, वो परावर्तित होके वो नहीं जा पा रही है क्योंकि धूल प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस है, CFC है जैसी गैसों के कारण मिथेन है, वो सारी गैसें बाहर जाती किरणों को रोक लेती है और उसे उसके अंदर से गर्मी जो है वो वातावरण में ही खींच लेती है। तो उस प्रकार से जो क्रिया होती है वो बिल्कुल ग्रीन हाउस के अंदर हो रही क्रिया के बराबर ही होती है, तो इसीलिए दोनों को एक समान मानकर ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, हमारी वातावरण की जो गर्मी रहती है वो बढ़ती है। तो इसी प्रकार से दोनों का कनेक्शन है, ग्रीन हाउस और हमारे वातावरण का, ग्रीन हाउस इफेक्ट और हमारे ग्लोबल वार्मिंग का। तो आप ग्रीन हाउस के बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए इन्फॉर्मेशन चैनल। सी यू अगेन, बाय बाय।